एक दिन मर जाएगा। तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। तो भाई फाइनली हमारा न्यू सीजन आ चुका है और इस सीजन में मेरी तरह तुम में से भी बहुत सारे लोग कॉन्क्यूरर कंप्लीट करना चाहते होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो कौन से दो रीजन है जिनकी वजह से लास्ट सीजन में कॉन्क्यूरर के इतने करीब पहुंचने के बाद भी मैं कॉन्क्यूरर कंप्लीट नहीं कर पाया। और भाई यहाँ पे तुम सब लोग देख सकते हो कि लास्ट सीजन में मेरी टोटल रैंकिंग 6000 प्लस थी और सर्वाइवल रैंकिंग 5000 प्लस थी, लेकिन फिर भी दो बड़े रीजन की वजह से हमारा कॉन्क्यूरर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो भाई बात कर लेते हैं पहले रीजन की। तो पहला रीजन ये है कि लास्ट सीजन में मैंने सर्वाइवल पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया और किल पॉइंट पे बिल्कुल ही कम फोकस किया, जिसकी वजह से मेरा बहुत ही स्लो प्लस हो रहा था। और भाई क्या होता है कि लोअर टियर में तो सिर्फ सर्वाइव करने से भी अच्छे प्लस मिल जाते हैं, लेकिन एस डोमिनेटर जैसे टियर में सिर्फ सर्वाइव करने से बिल्कुल ही कम प्लस होगा। वहां पे तुम्हें अच्छे किल्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि किल्स सिर्फ तुम्हारे केडी के लिए नहीं, रैंक पुश के लिए भी बहुत जरूरी है। और भाई तुम लोगों में से जो भी बंदा इस सीजन में रैंक पुश करने वाला है, उसे मैं यही बोलूंगा कि किल पॉइंट और सर्वाइव पॉइंट दोनों को बैलेंस करके चलना। दोनों में से किसी भी एक ही चीज पे डिपेंड होकर रैंक पुश बिल्कुल मत करना, नहीं तो रैंक पुश बहुत ही ज्यादा स्लो होने वाला है। अब भाई बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की। तो दूसरा रीजन हर रैंक पुशर का रैंक पुश ना कर पाने का सबसे बड़ा रीजन होता है, और ये रीजन है हैकर्स की प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं किसी छोटे मोटे हैकर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर्वर फ्रीज वाले हैकर की। अब जैसे यहाँ पे मैच शुरू होता है, वैसे मेरे सामने नोटिस आ जाता है और थोड़ी देर बाद मुझे BGMI इस मैच से बाहर निकाल देता है। अब भाई ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ, जिसकी वजह से एस डोमिनेटर में बहुत ज्यादा आगे आने के बाद भी मेरा बहुत माइनस लगा, जिसकी वजह से कॉन्क्यूरर पुश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन भाई डिमोटिवेट होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस सीजन में हम डेफिनेटली कॉन्क्यूरर कंप्लीट करेंगे, चाहे से कितने भी हैकर आ जाएं। अब भाई हैकर्स की तो बहुत बातचीत हो चुकी है, अब बात करते हैं इस वीडियो की। अब भाई कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि पूरी लोबी तुम्हारे ही पीछे पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं जंप करता हूँ वैसे ही एक के बाद एक करके सारे बंदे मुझे पे रश कर देते हैं। इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं बिल्कुल चुपचाप से कोने में बैठ जाता हूँ, तभी इनका दूसरा बंदा भी आ जाता है। भाई जैसे मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ वैसे इनका बंदा मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है, तो अब तो रिवेंज लेना ही पड़ेगा। डरते हैं क्या? अब भाई जैसे इस स्क्वाड को फिनिश करके मैं लूट रहा था, तभी एक और स्क्वाड मुझ पे रश कर देती है, और अभी देखना क्या गंदा वाला सीन होने वाला है। मेरी HP यहाँ पे लो हो जाती है, तो हील करने के लिए मैं नीचे कूद जाता हूँ। अब हील कंप्लीट करके मैं इन पे रश कर देता हूँ, लेकिन भाई लैग था। अब भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल चुपचाप से लेटा हुआ था, क्योंकि मेरे आसपास से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही थी, तभी मेरे सामने से ये गाड़ी आ जाती है। अब भाई इनके तीन बंदे नॉक हो चुके हैं और इनका लास्ट बंदा बचा है। मुझे जाने दो। अब भाई फिर से मैं इस इवेंट में आ चुका था और यहाँ पे मुझ पे चार बंदे रश कर रहे थे, लेकिन छोटा भीम के लड्डू से मैं इनके रश को रोक दिया। अब इनका एक बंदा रिवाइव देने चला गया, लेकिन छोटा भीम के लड्डू से कोई नहीं बच सकता। अब इनके लास्ट दो बंदे बचते हैं, जिनपे मैं खुद ही रश कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं यासना में लूट कर रहा था, तभी मुझे पास से एक बोट के फुट आते हैं, मैं उस बोट को मारने जाता हूँ, लेकिन वो एक बोट नहीं था, वो एक बंदा था। और तभी मुझे पीछे से और तीन बंदों के फुट के साउंड आ जाती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैंप करने लग जाता हूँ। और भाई यहाँ पे मेरी HP बिल्कुल लो हो जाती है, तो मैं छत से सीधा जंप कर जाता हूँ, और मुझे पता था कि मुझे फिनिश करने के लिए एक और बंदा जंप करेगा। अब इस बंदे को नॉक करके मैं सीधा हील करता हूँ, और हील करते ही मैं सीधा ऊपर रश कर देता हूँ। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। अब भाई यहाँ पे तीन खूंखार पिटबुल मेरे टीममेट के पीछे पड़ जाते हैं, और अभी देखना इनके साथ क्या गलत वाला स्कैम होने वाला है। अब भाई बहुत सारे लोग इसे 1v2 बोलेंगे, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये 1v3 है। भाई हर बार यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे ही मैं जंप करता हूँ वैसे एनिमीज को गन मिल जाती है, और वो मुझे सीधा फिनिश कर देते हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इस बार यहाँ पे कुछ उल्टा होने वाला है।
भाई यहाँ पे इनके साथ तो स्कैम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ भी स्कैम होते होते बच जाता है। अब भाई यहाँ पे दो स्क्वाड फाइट कर रही थी, तभी मैं किल निकालने के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ। भाई जैसे मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ, वैसे मुझे आगे से एक और बंदे के डीपी चलाने की साउंड आती है। अब भाई मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही बंदा है, लेकिन ये टोटल तीन बंदे होते हैं। अब जैसे मैं इस बंदे के ऊपर नेड कर रहा था, तभी मेरे ऊपर भी एक नेड आ जाता है। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे इनका एक बंदा लेफ्ट ऊपर से और एक बंदा राइट नीचे से मुझ पर रश कर देता है। अब इस बंदे को नॉक करते ही मैं सीधा इन पे रश कर देता हूँ। भाई स्कूल अपार्टमेंट में तुम कभी भी आ जाओ, यहाँ पे तो हर बार बंदे होते हैं। तो जैसे ही मैं इस अपार्टमेंट में आता हूँ, वैसे ही मेन बिल्डिंग से तीन बंदे मुझ पे सीधा रश कर देते हैं। अब भाई यहाँ पे मैंने BGMI टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखी थी, तो उसी में से एक टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज मैं यहाँ पे करता हूँ। अब इस बंदे को फिनिश करते ही इसके दोनों बंदे भी आ जाते हैं। अब भाई इस बंदे ने भी BGMI टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखी थी, लेकिन ये उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाता है। भाई कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, यही बंदे रिकॉल होकर दोबारा से यहीं पे आ जाते हैं। अब भाई पहला बंदा रूम के अंदर होता है, तो उस पे तो मैं डांसिंग नेड फेंक देता हूँ। अब इसके दो बंदे मेन बिल्डिंग में होते हैं, जिन पे मैं खुद ही रश कर देता हूँ। अब भाई इनका एक बंदा ऊपर होता है और दूसरा बंदा नीचे से आ रहा होता है। अब जो BGMI टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करने वाला बंदा था, इस बार वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स का सही से यूज कर लेता है। सही पहचाना भाई। यहाँ पे मेरे साथ ये क्या होता है, ये चीज तुम मुझे कमेंट करके बताना। इस बंदे को नॉक किया और अब देखना क्या होता है। तो भाई यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चल चुका है कि BGMI तो नहीं चाहता है कि मैं कॉन्करर कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कॉन्करर कंप्लीट कर पाऊँ तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।